गाइस दीदी को गिफ्ट बोल रही थी पसंद नहीं आया तो मैं इसको ये वाला गिफ्ट दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी मैं थोड़ी देर पहले उड़ गया था, जो थोड़ा सा काम था गेमिंग चैनल का, तो मैंने वीडियो सब एडिट कर लिया, क्योंकि यार मैंने सोचा सबसे पहले हम लोग काम कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आराम से रेडी होंगे और फिर हमको कहीं जाना भी है वो तो आपको ब्लॉग में आगे पता चल जाएगा। अभी मैं नीचे जाता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि मैं नीचे जाकर भी तो देख लूँ यार रेडी हुई है मम्मी या फिर दीदी। सोचा मैं अभी रेडी नहीं हुआ हूँ, पर ये लोग भी अभी रेडी नहीं है, अभी रेडी नहीं हुई। तो गाइस आज ये भी मुझे राखी बांधेगी, है ना। तो अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, और जब तक मैं नीचे आऊंगा उसके बाद मैं दिखाऊंगा ये लोग रेडी हो पाते हैं या फिर नहीं। तो अभी मैं जाता हूँ ऊपर। हाँ तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, और अभी मैं नीचे जाकर देखता हूँ दीदी रेडी हुई है या फिर नहीं। वैसे यार बोलने वाली बात ही नहीं है, नहीं हुई होगी पक्का, 100% नहीं हुई होगी। तो चलते अभी हम लोग नीचे। तो गाइस मम्मी गुस्सा है दीदी पर, दीदी देखो पहली न्यूज मिल चुकी है ये तैयार नहीं हुई अभी तक, तैयार के यहाँ से उठी भी नहीं है, मैं यहीं पर छोड़कर गया था ऊपर और अभी तक नहीं गई। जब तक ये लोग तैयार होते हैं जब तक मैं ये वाला ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ, जो कि आप लोगों ने कल देख लिया होगा और मेरी हालत देख सकते हो, इतने देर से मेरी हालत बेकार हो गई है। अभी हम लोगों को जाना है मामा मामी के घर पर राखी बांधने के लिए, इसको ऐसे ले जाना है क्या। तो अभी हम लोगों ने ऑटो बुक कर लिया है, तो फटाफट हम लोग जब तक यहाँ पर शोर शराबे बहुत हो रहा है बाहर बांधते हैं, और जब तक हम लोग राखी बांध लेते हैं और बाकी फोटोज वगैरह हम लोग वहीं पर क्लिक करेंगे मामी के यहाँ, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 5-10 मिनट में आने वाला होगा। और बाहर बारिश भी होने लगी, और बारिश भी हो रही जाइएगा। तो गाइस सिर्फ इसी की वजह से इतनी जल्दीबाजी हो रही है, मेरे फोन में तो मैं दिख ही नहीं रही हूँ। अब मैं भाई को राखी बांध रही हूँ। अब अनु की तरफ से राखी बंधेगी मुझे, ये दीदी ने बांध दी है। हैप्पी रक्षाबंधन मामा। अब मामा को टीका लगा लो, चलो ये बस बस, चलो 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 मामा। हाँ, तो दीदी और अनु की राखी बन चुकी है, अब मैं भी कुछ बांध देता हूँ। उसकी मम्मा का भी कुछ भी नहीं मिला, जो मिलेगा तब मैं आपको बताती हूँ मुझे क्या दिया है भाई ने। और यहाँ पर दीदी का भी ब्लॉग बन रहा है, दीदी का ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, यही दीदी का गिफ्ट है। अरे यहाँ ऐसा ही होता है, मैं गिफ्ट से भी बहुत खुश हूँ। सब्सक्राइब कर देना, दो लोग भी बहुत हो जाएगा उसके लिए। और उन्होंने बहुत अच्छे से मिठाई खिला दी है मामा को। हम लोगों ने राखी बांध ली और अभी हम लोग जाने वाले हैं मामी लोगों के यहाँ। ऑटो वाला आ चुका है। तो अभी मम्मी मामा को राखी बांध रही है और इसके बाद फिर हम लोग राखी बांधेंगे। और यहाँ पर चल रहा है अनु का फोटोशूट, और इसके बाद फिर हम लोग राखी बांधेंगे। तो अभी दीदी बांधेगी प्रांजल को राखी, सुहानी मुझे। पहले राखी बांध रही है सुहानी भाई को, वो एक ही जमाना बदल गया, पहले लड़कियां रखती थी पल्लू और लड़के। शेफ लग रहे हो, शेफ की टोपी सही है ये वाला। पिछले तो सही बांधेगी इस बार, पहली बार मुझे। अरे तो वो दिया नहीं दिख रहा था ना। तो अभी दीदी बांध रही है प्रांजल को राखी। क्या है ये, नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वाचिंग, बाय। तो गाइस दीदी को गिफ्ट बोल रही थी पसंद नहीं आया, तो मैं उसको ये वाला गिफ्ट दे देता हूँ। अरे बाप रे, ठीक है। सुहानी बोल रही है मुझे ब्लॉग में नहीं लेते हो, प्रांजल देखो गिफ्ट दे रहा है यहाँ पे। प्रांजल गिफ्ट दे रहा है सुहानी को। ये देखो इसकी बचकानी हरकतें, बहुत भयंकर लगी तेरा मर्द। अभी हम लोग अपना खानदानी पोज दिखाने वाले हैं। कितने साल से खिंचवा रहे हैं? 3 साल खिंच चुके, चौथा है ये। 3 साल से खिंचवा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा के बता दूंगा। क्या कैमरा में वही देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ मैं, उधर ही तो देख रहा हूँ। हाल तो कैमरे को खोलती, शकल देना क्या दिख रही है उसमें, क्लिक करा रही है। तो फोटो क्लिक हो गई फाइनली काफी देर में, और अभी हम लोग जाने वाले हैं ऊपर नहाने के लिए। बारिश हो रही है बाहर, तो गाइस बाहर हो रही है बारिश, और अभी हम लोग भीगने वाले। चलो गाइस, पहली बार देखा होगा ऐसा रक्षाबंधन। अभी मुझे वापस घर भी जाना है, और ये कपड़ों में भीग रहा हूँ। अच्छा हुआ मैं पहले से अंदर एक चड्डा पहन के आया हुआ था।
2 hours later. तो गाइस नहा लिया है और मेरे कपड़े गीले हो गए थे तो प्रांजल के कपड़े पहन लिए वापस मैंने और अब हम लोग जा रहे हैं घर। मेरे बाल पूरे के पूरे गीले हैं अभी तक। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और अनु जब से सो ही रही है मतलब उसको पता भी नहीं चला होगा कि कहां से कहां पर पहुंच गए, पर देखो मेरे बाल अभी तक गीले हैं। वहां पर नहाया था मैं तब से गीले ही हैं। बाकी ये भी यहीं पर पड़ी हुई है। अब कुछ दिखाने को तो है नहीं, तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं किसी और ब्लॉग पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर।